ब्रो देखो बादल भाई, यहाँ पे आपसे डिसएग्री करते हैं। माँ बहन को डिस्टर्ब मत करो ना बीच बीच में। जिसने मुझे बोतल से मारा वही यूट्यूबर था। वो तब आवाज क्यों नहीं उठाता जब उसके पास वीवेज होता है, उसके पास सब कुछ होता है। सब मोबाइल प्लेयर फेक बना दिए उसमें और स्कैम होने लगे भाई बहुत ज्यादा। तो हे व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप सो आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज भी मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से, देन वीडियो को एंड तक देखते रहना। और मेरे पास ऐसे भी न्यूज है ये देखकर आप लोग फ्री फायर वालों को बढ़ बढ़ के गाली देने वाले हैं। कुछ क्रिएटर्स तो इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखे। और गाइस देखो, हम लोग 90K सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तो इस वीडियो से आप लोग 90K सब्सक्राइबर्स करा देना, आप लोग करे तो हो जाएगा अभी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कुछ क्रिएटर्स फ्री फायर वालों के ऊपर गुस्सा क्यों है। तो क्या होता है, दो हफ्ते पहले फ्री फायर ऑफिशियल चैनल पर एक वीडियो आता है। तो उस वीडियो के 15 सेकंड में क्या था आप लोग खुद देख लो, पैरों के नीचे भगवान की फोटो था। तो इसको लेकर बॉस ऑफिशियल भाई ने इंस्टा स्टोरी पर कुछ ये लिखा है। अब इसके ऊपर कोई यूट्यूबर भी कुछ बोलेगा या सिर्फ पैसे के लिए मुंह बंद कर दोगे। और भाई ने कुछ बड़े क्रिएटर्स को भी टैग किया हुआ है, एसी गेमर्स, टोटल गेमिंग, किस को किया हुआ है आप लोग खुद देख सकते हैं। और जीडब्ल्यू मनीष भाई का भी आप लोग देख सकते हैं। और अनग्रेजुएट गेमर भाई ने भी फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल को टैग करते हुए लिखा है, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है विद एंग्री मुझे। एंड वी आर गेमर्स भाई ने भी लिखा है, इसके लिए माफी नहीं मिलेगी। और क्या ये ऑलरेडी फ्री फायर वालों को पता था? उन लोगों को पता होते हुए भी वीडियो को प्राइवेट या स्ट्रीम नहीं कर रहे थे? ऑन स्पॉट भाई ने बताया है तो आप लोग देख सकते हैं। ऑलरेडी एक बंदा था जो फ्री फायर के ऑफिशियल फीडबैक ग्रुप में है, तो देखते के साथ ही ऑब्वियस सी बात है हम सब भड़क गए यहाँ पे। एंड इस चीज को फ्री फायर के ऑफिशियल तक पहुंचाया। एंड उसके बाद मुझे किसी दूसरी सोर्स से पता चलता है ये चीज फ्री फायर को ऑलरेडी पता है एंड इसके रिगार्डिंग मल्टीपल मीटिंग्स हो चुके हैं। देखो मुझे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कौन सा रिलीजन है, बट इस बात से तो फर्क पड़ता है ना कि क्यों। लाइक पहले तो मुझे लग रहा था कि इन चीजों को मॉनिटर नहीं करा जा रहा, लेकिन उसके बाद जब मुझे पता चला कि ये चीज पता होने के बावजूद, इस चीज को एड्रेस करने के बावजूद 3 दिन से उस वीडियो को प्राइवेट नहीं करा गया था, लेकिन मैं इस बात से डिसअपॉइंट हुआ कि जब ये चीज ऑलरेडी इंडिया के एम्प्लॉइज एड्रेस कर चुके थे तो क्यों स्टेप्स नहीं लिए गए। आई थिंक फ्री फायर को माफी मांगनी चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं ये चीज नहीं पता थी, ये चीज उनको पता था। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता चला कि ये चीज फ्री फायर वालों को पता थी एंड फिर भी उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया, तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, आम खाओ, गुटलियां गिनने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं बता दूंगा वीडियो से वो पार्ट अभी ट्रिम हो चुका है। ओके, अभी बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ एंड मैं बात करने वाला हूँ 3 तूफान टिप्स के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा रिसेंटली तूफान भाई के साथ क्या हुआ था, और ये भी आप लोगों को पता होगा ये हुआ था प्रमोशन को लेकर। ये 1.5 साल पहले की बात है। तो एक बंदा था, अपने वीडियो का प्रमोशन के लिए बोला था तूफान भाई को, वो भी फ्री में। तो तूफान भाई ने मना कर दिया। 1.5 साल के बाद जाके इस बंदे ने तूफान भाई के साथ ये किया। जो तूफान भाई को मारा था, इसका चैनल आप लोग देख सकते हैं, इसका नाम है आकाश केवट CG02। तो तूफान भाई ने आज अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करता है, वहाँ पर भाई ने सब कुछ बताया है कैसे हुआ था, उनको कैसे मारा था, उसके साथ में कितने बंदे थे। तो भाई ने सब कुछ बताया है, तो वहाँ से मैं छोटा सा वीडियो पार्ट प्ले करके दिखा रहा हूँ। बाकी फुल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो वो सब बात को लेकर मुझे गाली वाली देने लगा, कहने लगा एटीट्यूड आ गया, घमंड आ गया, निकल ले ये वो, दिखना मत, ऐसा वैसा, मतलब बहुत अजीब टाइप का। जितना उसने मुझे गाली दिया मैंने भी उतना दिया कि तू भी कर ले, तेरे दम है तो ये वो, मैं अपनी मेहनत से आया हूँ, ये सब मैंने बहुत कुछ बोला था, उसने भी मुझे बहुत कुछ बोला था। बट इतना कुछ हुआ नहीं था कि इस लेवल का कुछ हो जाए। तो उसने भी ब्लॉक कर दिया, मैंने भी ब्लॉक कर दिया था। और वो उतनी पुरानी बात है, उसके बाद तो मैं कम से कम 10 से 12 बार से ज्यादा मैं घर आ चुका हूँ, लेकिन ये सब कभी नहीं हुआ। वहीं और उसी रूम में उसी एरिया में मैं हरदम रहता था, मेरे दोस्त की बहन का शादी भी था तो मैं वहीं था, मतलब कभी कुछ नहीं हुआ, वहीं मैं वीडियो बनाता था, वहीं सोता भी था, वहीं घूमता था, मतलब ऐसा कुछ भी मेरे को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब होने वाला है। और ये सब क्यों हुआ ये तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। जिसने मुझे बोतल से मारा वही यूट्यूबर था। तो फुल वीडियो देखना है तो भाई के चैनल पर जाके देख सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट स्टोरी होने वाली है गेमी ओरा के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा दिवाली स्क्वाड कप में हैकर्स आते हैं। तो ओरा भाई ने बताया है जो हैक लगाते हैं सब छोटे छोटे बच्चे होते हैं। आपको मेरी सबसे पहली टिप यही है कि भाई अवॉइड स्किड्स, मतलब हम लोग अवॉइड कर रहे हैं जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा बच्चे। हम उन आर्ट्स पे खेल ही नहीं रहे जिस आर्ट्स पे बच्चे एक्टिव होते हैं, हम उन आर्ट्स पे खेल रहे हैं जहाँ पे ये लोग ट्यूशन जाते हैं, जहाँ पे स्कूल जाते हैं, जहाँ पे ये बिजी होते हैं, भाई हम उन आर्ट्स पे खेल रहे हैं। भाई हमारा यही ट्राई है कि भैया यहाँ पे उन आर्ट्स पे खेला जाए जहाँ पे जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा बच्चों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो टॉप पर बैठी हुई टीम्स है ना, इनमें से जितने भी टीम्स हैं, जो लोग मतलब मेजोरिटी ऑफ टीम्स बता रहा हूँ, जो चीटर खिला रहे हैं, हैकर खिला रहे हैं, उनकी टीम में भैया बच्चे ही हैं, वो बालक बुद्धि है। 50,000 डायमंड के लिए कौन इतना नीचे गिरे यार, कौन इतना ज्यादा पागल हो, लास्ट में बेइज्जती होनी है, लास्ट में लात मार के बाहर निकलेंगे, नाम बर्बाद होगा। तो उतने में कोई बंदा समझदार बंदा मेरे को नहीं लगता, 15, 16, 17 साल, 18 साल का सेंसेबल बंदा अगर जो हो वो भाई यहाँ पे वो चीज़ नहीं करेगा। तो
ये बच्चे हैं, इनको अवॉइड करने के लिए यही करो कि भैया मैंने पहले भी बता रखा टाइमिंग्स, मैंने पिछली वीडियो में बताई है कि इनको किन टाइम्स पे आप लोग अवॉइड कर सकते हो, किन टाइम्स पे आप लोग टैकल कर सकते हो। वैसे फेस्टिवल सीजन है, इन लोगों की छुट्टी भी पड़ी हुई है, पर फिर भी ये लोग कई सारे आवर्स तो ऐसे होते हैं जिसमें इनके मम्मी पापा इनके फोन छीनते हैं, तो भैया उस आवर्स में आप लोग खेल सकते हो। अब इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो बाहर निकलेंगे पहले बता भाई, जो लोग हैक लगा के खेलते हैं भाई फेयर खेल लो भाई, एंड में जाके मिलेगा तो चौको लेने से अच्छा आप लोग फेयर खेल लो। और ये लोग ऐसा सोच रहा होगा हैक लगा कर मैं तो टॉप पर रहूंगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, घंटा भाई उल्टा गालियां देते लोग, इसलिए अभी आप लोग अच्छे से सोच कर देखना, चौको चाहिए कि डायमंड। तो अभी हैकर्स के बारे में बात हो रहा है तो बात कर लेते हैं हैकर्स के बारे में ही। और आप लोगों को पता ही है रिजन टॉप पर हैकर्स ही होते हैं भाई, उन लोगों का आईडी का नाम ही होता है पैनल सेल, ये सेल, वो सेल। तो एलेक्सा भाई ने भी इसके ऊपर बात किया है, भाई ने बताया है कोई भी फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम के यूट्यूबर इसके ऊपर आवाज नहीं उठाते, वो लोग तब बोलते जब उनको पार्टनर प्रोग्राम से किक कर दिया जाता है, जब पीपी में होते हैं वो लोग कुछ बोलते नहीं। ओके आप लोग देखिए, पैनल बनाने के लिए की चाहिए होता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा ठीक है, की चाहिए होता है, वो की गरीना के मॉडरेटर ही लिख करते हैं, वो नॉर्मल प्लेयर के पास नहीं आ सकता, वो मॉडरेटर बेचते हैं की को। अरे तो इनका जो मालिक है क्या नाम है उसका, अरे क्या फॉरेस्ट ली या क्या नाम है पूरा, अरे तो वो भाई तो वो नहीं देखता क्या, उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको तो पैसा आ रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई किसी की कंपनी की मां उसको फर्क नहीं पड़ेगा, अरे भैया हम बोल रहे हैं बस, बाकी बंदों को क्या, जो बीआर खेल रहे हैं कस्टम खेलते हैं मजे के लिए खेलते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। मेरी बात सुन, अभी जैसे रितिक ने बात उठाई थी कि रेटिंग गिराओ ठीक है, बोली उससे कुछ होना नहीं है मेरे भाई, लेकिन कम से कम ये तो भाई, जैसे मेरी बात सुनना, देख कड़वी है लेकिन सच है। देखो मेरे भाई मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट, मैं किसी अगेंस्ट यूट्यूबर नहीं बोल रहा हूँ, बुल्ली तूने एक चीज देखी, मैं सुन लेना मेरी बात पहले ध्यान से, हर वो एक वीवेज प्लेयर आवाज तब उठाता है जब उसके पास वीवेज नहीं होता, वो तब आवाज क्यों नहीं उठाता जब उसके पास वीवेज होता है, उसके पास सब कुछ होता है, क्योंकि उस वक्त उसके पास आवाज उठाने के पास कोई चीज नहीं होती ना मेरे भाई। जब उसको पार्टनर प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है, जब उसके साथ कुछ फ्यूचर में पार्टनर प्रोग्राम में हो जाता है, तब वो आवाज उठाता है कि भाई इस गेम में ये चेंज आना चाहिए, इस गेम में वो चेंज आना चाहिए। लेकिन जब वो पार्टनर प्रोग्राम रहता है एग्जैक्टली, जब उसके पास पावर रहती है, तब वो आवाज क्यों नहीं उठाता। गाइस देखो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि गाइस देखो ये बात गाइस तुम्हें माननी पड़ेगी, हर एक वो यूट्यूबर तुम तो लिख के ले लो, आज मेरे पास वीवेज होगा, जब मेरे पास कल वीवेज चला जाएगा मैं उसी गेम की बुराई करूंगा। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास वीवेज था तो मेरे पास सब कुछ था, आज मेरे पास वीवेज नहीं है तो भाई अब मेरे पास पैसा भी नहीं है, ना डायमंड है, तो भाई अब आवाज उठाने का टाइम है, समझे? तो भाई देखो सिंपल सीधी बात है, हर एक वो यूट्यूबर जब तक उसको सब कुछ मिल रहा है गेम से, ठीक है, जब तक, देखो भाई मेरी बात तो यही है, मैं तो हमेशा यही बोलूंगा कि देखो गाइस 50-55% वीवेज यूट्यूबर है, तो भाई यही है रियलिटी ब्रो, जब तक उसके पास सब कुछ है, जब तक वीवेज है तब तक ब्रो कोई आवाज नहीं उठेगी ब्रो, हैक चल रहा है चलने दो, फ्री में डायमंड आ रहे हैं आने दो, गेम की मार ये छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब वीवेज चला जाएगा या फिर कुछ पार्टनर प्रोग्राम वालों से हो जाता है तब फिर आवाज उठने लगती है, बट ये चीज बहुत गलत है। ओके अभी बढ़ते अगली स्टोरी की तरफ, एंड मैं बात करने वाला हूँ नॉन स्टॉप गेमिंग के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा पहले एनजी का सेकंड गिल्ड भी था, बट उस गिल्ड को डिसबैंड कर दिए थे, तो क्या इसका रीजन आप लोगों को पता था? नॉन स्टॉप भाई ने बताया है, तो आप लोग देखिए भाई एनजी का सेकंड गिल्ड बनाओ यार, मैंने सेकंड गिल्ड बनाया था, मोबाइल गिल्ड बनाया था, उसमें 30-35 बंदे भी ऐड कर लिए थे जो अच्छे अच्छे प्लेयर, बट यार एक तो उधर कोई भी दूसरी गिल्ड में मैंने अपनी एक लेवल की आईडी घुसाई थी, तो इतनी गिल्ड बंदों ने बना दी एक लेवल का जैसा मेरा नाम है ऐसी सेम रख के, फेक जीरोक्स, फेक एंग्री, सब मोबाइल प्लेयर फेक बना दिए उसमें, और स्कैम होने लगे भाई बहुत ज्यादा। फिर और इवन प्लेयर्स भी खुद ऐसे थे जो नए नए थे, जिनके स्ट्रीम पे 2-3 मैच अच्छे लगे मैंने ले लिया, वो खुद स्कैम करने लगे, तो फिर मैंने टाटा बाय बाय बोल दिया, मैंने सिर्फ जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको रखा और गिल्ड डिसबैंड कर दी, वो कि एक ही गिल्ड रखी जाएगी। अभी तो इसमें भी स्पेस है गाइस, क्योंकि मेरे को बंदे चाहिए अच्छे यार। तो आप लोगों को पता चल गया होगा डिसबैंड करने का रीजन, क्योंकि स्कैम हो रहा था। कि अभी बढ़ते आज की फाइनल स्टोरी की तरफ, मैं बात करने वाला हूँ क्लासी FFNNG बादल के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा अभी स्टेट वर्ड्स चल रहे हैं, तो इस टूर्नामेंट से बादल भाई वो लोग बाहर हो जाते हैं, तो तब बादल भाई वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और तब क्लासी भाई भी सेकंड चैनल पर लाइव था, तब क्लासी भाई ने अपने फैंस से रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि क्लासी भाई को पता था वो लोग बादल भाई को जाके ट्रोल करेगा, इसलिए क्लासी भाई ने रिक्वेस्ट किया है बादल भाई को जाके हेड ना देने को, और बादल भाई जो हार को लेकर इमोशन
इमोशनल हो रहा था, तो क्लासी भाई ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। भाई तुम्हें ना NXT फैंस गुजरात वाले अच्छा खेले, बट लेट्स सी प्लीज कुछ किसी को बोलना मत, ठीक है? मानता हूँ अब बादल की टीम बाहर हुई है, तुम सारे हो गए होगे एक्टिव कि भाई अब तो ट्रोल करने का मौका मिल गया, अब बादल को ये बोलेंगे। भाई कुछ तो उसके घर वालों पे भी जा रहे हो, ठीक है, और ऊपर से फिर उनके फैंस हमारे घर वालों पे जाते हैं, आप फैंस बीच में मजे ले रहे हो क्योंकि गाली हमें पड़ती है या फिर उनको पड़ती है, बट आप लोग देते हो बस, ठीक है, इधर से उधर देते रहते हो भाइयों। तो आप लोग बादल भले ही बादल की टीम बाहर हो गई है, आप लोग जाओगे जरूर ट्रोल करने, भाई मत जाना, ठीक है, मत जाना भाई, ठीक है, बिल्कुल मत जाना। एटलीस्ट भाई जो NXT के दिल से सपोर्ट करते हैं NXT को, भाई वो तो मत जाना। जो भाई सिर्फ मजे ले रहे हैं दोनों के बीच में, उनको मैं रोक भी नहीं सकता, ठीक है, बट भाई जो हमें दिल से सपोर्ट करते हैं भाई प्लीज ट्रोल मत करना क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। फालतू में यार घर वालों पे गाली देते हैं भाई, वो उनके फैन हमारे घर वालों को और हमारे फैन उनके घर वालों को, बहुत गंदी चीज चल रही थी, मैं चैट में देख रहा था, ठीक है। तो गाइस आप लोग प्लीज ना करें, किसी ने बादल को नहीं रोका ब्रो, किसी ने बादल को नहीं रोका। अगर कोई बोल रहा है कि बादल को स्नाइपर चलाने से ये बोल के रोका गया कि पीसी प्लेयर स्नाइपर नहीं चला सकता, उनके टीम में मन्नू था ना, मन्नू अच्छा स्नाइपर है ब्रो, मन्नू अच्छा स्नाइपर है, वो बात अलग है, चल नहीं पाया। किसी ने नहीं बोला कि आप स्नाइपर नहीं चला सकते, वो मन्नू बहुत अच्छा स्नाइपर है, मन्नू चल नहीं पाया, बंदा पीसी मैंने देखा क्लासिफाई का वो टूर्नामेंट जो सुबह जीते हैं। बादल को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ब्रो, इससे पहले भी ये डिबेट हुई थी, आपको याद है? बादल ने अच्छा खेला, बादल अच्छा खेला, बोला था मैंने वो टूर्नामेंट देखा जिसमें क्लासिफाई जीते हैं, चला सकते हैं, ऐसा कोई टॉप मारा है 135 पॉइंट थे उनके, एब्सोल्युटली दूसरे नंबर पे 111 के साथ आरसीपी थी, बादल रो रहे हैं, चला सकता है, मैंने पहले ही रेड बादल रेड, अरे बैंड की भाई नीचे कूदेंगे बैंड, भाई नहीं यार एंड हो गया भाई, मेरे को ये बताओ बैंड स्नाइपर को स्नाइपिंग अलाउड है तो बहुत पहले क्यों नहीं बताया भाई, स्नाइपर को स्नाइपिंग अलाउड है ये कैसी बात है, छोड़ो अब तो भाई, वही है बहाने वाली बात है भाई, अब हार गए तो हार बर्दाश्त नहीं हो रही, वही वाला सीन है, छोड़ो भाई अब हार गए तो हार गए, अब क्या ही कर सकते हैं भाई उसमें, अभी अब गया तो गया गेम भाई, अब क्या ही कर सकते हैं उसमें, छोड़ो भाई। अरे यार स्नाइपर पता है पीसी वाले लेने स्नाइपर उठा ले, बहुत गलत सीन था यार वो, बहुत गलत सीन था पता है, फैन अपने प्लेयरों को भाई 150 टपा रहा आके भाई फोन प्लेयरों को। देखो बादल भाई यहाँ पे आपसे डिसएग्री करते हैं, बिकॉज कुछ दिन पहले मैं आपकी ही लाइव देख रहा था, आप अपनी ऑडियंस को समझा रहे थे कि भाई मैं स्नाइपर नहीं चलाऊंगा क्योंकि हमारे पास स्नाइपर के लिए एक प्लेयर है, वो मेरे से बेटर चलाएगा इसलिए मैं नहीं चला रहा हूं। जब तुम्हें ऑडियंस कह रही थी चलाओ तो तुम उसे बोल देते यार शॉर्ट में खेल लो, देखो ये गलत है ब्रो, यहाँ पे डिसएग्री हूँ तुमसे मैं, बाकी आगे देखते हैं क्या क्या सोचा था भाई मैंने, क्या क्या सोचा था भाई, सब माँ की आंख भाई क्या बोलूं, अच्छा खेल गए भाई सामने वाली टीम, अच्छा खेल गई पता है, अप्रिशिएट है भाई सही खेल गए यार, बट सो स्नाइपर ने जो है ना पीसी प्लेयर ने कर दिया भाई, लिनिश जो भी नाम था उसका भाई, मेरी आंखों से आंसू निकल गए पता है बहन, भाई क्या सोचा था भाई इस टूर्नामेंट को लेके भाई, क्या हो गया माँ की, ये माँ बहन को डिस्टर्ब मत करो ना बीच बीच में, मानता हूँ यार तुम इमोशनल हो बट कोई बात नहीं यार, होता है भाई आंखों से आंसू, इतने टूर्नामेंट हम भी हारे हैं यार, ऐसे थोड़ी बादल भाई तुम परेशान हो रहे हो, ना हो वही हो गया, मैंने हक दिया भाई टूर्नामेंट इस मैच में भी, सोच यही सोच, अरे फिर आ जाएगा टूर्नामेंट, रुक क्यों रहा है भाई, नहीं होगा नहीं होगा वही हो गया, इसी चीज का डर था, हक ही दिया भाई बीच में जाके मैंने, भाई फिर से आ जाएगा बादल भाई, ये टूर्नामेंट खत्म होते एक और टूर्नामेंट, फिर एक और टूर्नामेंट, एक और टूर्नामेंट, फ्री फायर अंधे यूट्यूबर अंधे क्रिएटर अंधे टूर्नामेंट, जहां देखो बंदा भाई अपनी गंदी शक्ल लगा रखी है चैनल पे और टूर्नामेंट कर रहा है भाई, फिर से आ जाएगा यार ये ऐसा ही सेम टूर्नामेंट, इससे बेटर टूर्नामेंट और आ रहा है, क्या करूं भाई तेरे लिए भाई छोटी चीज होगी भाई, जहां से मैं भी आया हूं ना मेरे लिए छोटी चीज नहीं है भाई ये, तो कहां से आए हो तुम, 20-25 टूर्नामेंट जीत के आए हो एनजी से, कहां से आए हो तुम, क्या कहना चाह रहे हो यार, चैनल अच्छा चल रहा है टूर्नामेंट जीत रहे हो एनजी से, 20-25-30 कितने टूर्नामेंट जीत गए तुम भाई, मेरे लिए एक यही चीज है भाई जो मैं करता हूं पता है, तुम्हारे लिए छोटी चीज होगी भाई ये, तुम ऐसे बोल सकते हो ऐसे भाई कि छोड़ो छोड़ो भाई, मेरे लिए छोटी चीज नहीं है भाई ये, तुमको नहीं पता भाई मैं कैसे कैसे खेलता हूँ टाइम निकालता हूँ सारी चीजें करता हूँ भाई, तुम्हारे लिए होगी छोटी चीज भाई, मेरे लिए नहीं है ये ब्रो, एक हम पता है कितने टूर्नामेंट तुमसे ही हार के बाहर हुए हैं बादल भाई, ठीक है, जब तुम हंसते थे खुश होते थे हमें बुरा लगता था, बट ऐसे थोड़ी है कि तुम रोने लग गए हम बिल्कुल मायूस ही हो गए भाई, फिर आएगा यार डोंट स्टॉप भाई कराएंगे टूर्नामेंट, अभी मानता हूँ इस वाले बाहर हो गए, हम भी क्या पता कल बाहर हो जाएं, होप नहीं हार नहीं ब्रो,
तुम कम हारे हो, तुम्हें ना हारने की आदत नहीं है, हमें आदत हो चुकी है ठीक है, हमें ना हारने की आदत हो चुकी है गाइस। एनएक्सटी जो प्लेयर हारा है भाई उससे पूछ के उसको बताए भाई उसको कितना बुरा लग रहा है अभी के टाइम में। ब्रो ये तो है, बुरा तो लगता है, छोड़ भाई कोई बात नहीं, तुम्हें ज्यादा लग रहा है अपनी गेम प्ले को भी। भाई बादल ने नो डाउट अच्छा खेला ठीक है, गेम प्ले बादल ने अपना बेस्ट दिया है। अब कल को ऐसा भी हो सकता है मेरी टीम हक दे और मैं अच्छा खेल जाऊं, या मेरी टीम को अच्छा प्लेयर अच्छा खेल जाए और मैं हक दूं, तो हो सकता है भाई कुछ भी। लो भाई बाकी ब्रो बादल ब्रो तुम्हें यही मैसेज है, मायूस ना हो ठीक है, तुमसे ही हम कितनी बार हारे हैं, आजकल रिसेंट में तो तुम्हारी टीम हमसे कितना अच्छा ही खेल रही है, हमेशा जीते रहे हो भाई तुम ठीक है। कोई नहीं भाई, इस टूर्नामेंट परफॉर्म नहीं कर पाए एक और आ जाएगा, तुम नई टीम भी तो थी तुम्हारी, पूरी नई टीम थी, तुम किसको जानते हो तुम्हारी टीम में, किसी को नहीं जानते, तीन रैंडम ही तो हैं, हार गए हार गए, एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। ओके गाइस तो आज की वीडियो बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच यूबी गेमर भाई मुझे इस वीडियो में एक न्यूज देने के लिए। तो भाई का चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाके भाई को सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोग के पास भी फ्री फायर के रिलेटेड कोई न्यूज मिलता है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं, काफी सारे इंस्टाग्राम पर दिए आते हैं तो इसलिए मैं सबका तो नहीं देख पाऊंगा, आप लोग समझ सकते हो। अगर आप लोग के पास कोई न्यूज मिलता है तो मुझे इंस्टा स्टोरी पर टैग कर सकते हैं क्योंकि मैं स्टोरी देखती रहता हूं। अगर आप लोग भी न्यूज दोगे तो इस भाई की तरह आप लोगों को भी मेरे डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट मिल सकते हैं। ओके तो को ये पे खत्म करने का टाइम आ चुका है, तो मिलते और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल, बाय।